नमस्कार दोस्तों, टेक्नी एंड यूट्यूब चैनल में मैं वाइब आप सलों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के शो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाला है एलईडी बल्ब का, जो कि आ रहा है विप्रो की तरफ से आने वाला विप्रो का गार्नेट एलईडी बल्ब। तो ये जो एलईडी बल्ब है दोस्तों, अगर आप घर में एक अच्छा आपको एलईडी बल्ब है वो लगाना चाहते हो, तो आज मैं आपको लिए सबसे बेहतरीन एलईडी बल्ब का अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ और इसका फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहा है ये 12 वाट का यहाँ पे आप देख सकते हो एलईडी बल्ब है और ये कूल डे ड्राई, इसका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छा है और इसमें ल्यूमेन आपको 1200 LM देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट की तरफ कुछ इस तरह से आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है और इस तरफ आप देखेंगे तो इस बल्ब का नाम है गार्नेट 12 वैट एलईडी बल्ब 6500K। तो इसमें आप देखेंगे तो इसकी जो MRP है 295 रुपीज़ MRP है, लेकिन इसका अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आपको 150 या 200 के बीच में आपको सिंगल बल्ब मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने आपको दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आसानी से इसको खरीद सकते हो अमेजन से। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है और इस बल्ब की बात करें तो ये 3-स्टार पावर सेविंग इसको रेटिंग मिली है, तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो अभी हम लोग इसको फटाफट ओपन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये बल्ब आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको बॉक्स मिलेगा, बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो ये आपको एलईडी बल्ब मिलेगा और उसके साथ देखेंगे तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें बस पैकिंग दी हुई है। तो अभी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा यहाँ पे एलईडी बल्ब मिलता है। ये जो पोर्शन है ये प्लास्टिक का है और ये देख सकते हो आप, ये कुछ प्लास्टिक या आप देख सकते हो कुछ हाई क्वालिटी मटेरियल से बना हुआ है और यहाँ पे ये आपको स्टील का यहाँ पे मिल जाता है, ये जो पट्टी है पूरा राउंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे जो उसके लीड से प्लस और माइनस वाले दो देखने को मिल जाते हैं। और इस बल्ब के ऊपर आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने दिया है कि विप्रो और 3-स्टार का यहाँ पे उन्होंने रेटिंग दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे BIS गवर्नमेंट की तरफ से इसको जो रेटिंग है वो यहाँ पे मिली हुई है। और बाकी इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो बल्ब है ये मेड इन इंडिया बल्ब है और आप यहाँ पे देख सकते हो इस बल्ब का वैट दिया है और कितना होल्ड के ऊपर ये काम करता है, 220 या 240 के बीच में आपको ये अच्छी रोशनी दे देगा। तो 12 वैट का अगर बल्ब लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा बल्ब होने वाला है, काफ़ी ब्राइटनेस आपको देने वाला है। तो अभी मैं इसको आपको लगा के भी बताऊंगा कि ये बल्ब आपको किस तरह से देखने को मिल जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बल्ब को लगा दिया है, अभी मैं इसको आपको लाइट को बंद करके फिर ऑन करके बताता हूँ ये कितना रोशनी देता है। अभी जो लाइट चल रही है मेरी, ये आप देख सकते हो नॉर्मल जो ट्यूब लाइट है उससे लाइट चल रही है। तो अभी इस बल्ब को मैं जलाऊंगा और वो वाली जो लाइट है उसको बंद कर दूंगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो मेरी ट्यूब लाइट थी उसको बंद कर दिया, अभी मैं ये जो बल्ब है उसको ऑन करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कितना रोशनी देता है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कितना तेज़ रोशनी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बाकी बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी आपको लाइटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी अच्छी लाइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसकी भी जो लाइट है 12 वाट की वो आपके एक हॉल के लिए मतलब 100 स्क्वायर फुट या 120 स्क्वायर फुट रहेगा, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी आपको मिलेगी। तो इस तरह से इस बल्ब का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो बॉक्स के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ इसके फीचर्स भी दिए हैं कि आपको यह बल्ब क्यों ख़रीदना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LM80 टेस्ट एलईडी बल्ब है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी है, ब्राइटनेस यहाँ पे आपको लाइफ टाइम मिलेगा जो कि अच्छा ब्राइटनेस आपको मिलेगा। और यहाँ पे वाइड वोल्टेज रेंज दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 100 से लेकर 300 वाट के इसमें फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो इसमें भी ये काम करने वाला है। और इसमें 9 UV और IR यहाँ पर दिया है जो कि एक कुछ नया टेक्नोलॉजी है। और ये जो इको फ्रेंडली आपको बल्ब देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आपका अगर नॉर्मल बल्ब आप यूज़ करते हो तो वो 85 वाट की बिजली खर्चा करके इतना ब्राइटनेस देगा, अगर आप CFL यूज़ करते हो तो 20 वाट का बल्ब आपको यूज़ करना पड़ेगा इतने से ब्राइटनेस के लिए, और अगर आप LED बल्ब लेते हो तो आपको 12 वाट में ही उतनी सारी रोशनी मिल जाएगी। तो ये जो बल्ब है ये आप देखेंगे तो काफ़ी पावर सेविंग और एक अच्छा प्रोडक्ट है
तो अगर आपको एलईडी बल्ब ख़रीदना है तो आप इसके ऊपर आप ध्यान जरूर दे सकते हो। अगर आपको इसको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो, बहुत ही अच्छा आसानी से।